ना विधि गाऊं पानी जनवा दुल्हन हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिन जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नई क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सामरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। गठबंधन में भी सखियां चुटकी लेती हैं। अब तक तो ख्याति थी यही सबके ऊपर सबको काल कर्म गुण स्वभाव की डोरी में बंधन में बांधने वाले हैं और यही जिसको चाहे उस बंधन से मुक्त करने वाले। लेकिन आज देख लो दुनिया वालों, ओ सब ही बंधे और मोक्ष प्रद जो प्रभु समरथ सिर मोर और तिनको गही बांधत सखी अंचल के छोर सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी पटुका के कोर सी के चुंदरी के छोर बर के आज दोनों के बटोर के अटकाऊ है सखी आज दोनों के बटोर के अटकाऊ है। ये बंधन क्यों कहा कि चोर चोर पकड़ में आता है तो बांधा जाता है। मिथिला के सब नर नारी पर ई कैलन छापा मारी मिथिला के गारी दे के बांधी कसर चुकाऊ है सखी गारी दे के जब बांध लेती हैं उसके बाद फिर भांवरी फिराने लगी। भांवरी सात होती है जिसमें प्रथम की चार भांवरी में दुल्हन आगे दुल्हा पीछे शेष तीन भांवरी में दुल्हा आगे दुल्हन पीछे। सखियों ने भांवरी के गीत गाए समरिया देत संग सिया के भमरिया नीचे बिछी है मखमल की पावरिया ऊपर से डोल रही सुंदर चवरिया चवरिया देख ऊपर से डोल रही सुंदर चवरिया देख संगे सिया के भंवरिया Thank you.
मोतन की लरिया मुख पे शोभा के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया सवरिया दे दो शोभा के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया संगतिया के भवैया उज्जवल जोड़ी सरकार की गोस्वामी जी ने सात ही अर्धाली में भावरी का प्रसंग वर्णन किया है। कहा कि कुमर कुंवर कल भावर नहीं नैन लाभ सब सादर नहीं जाइन बरणी मनोहर जोड़ी जो उपमा कछ कहूं सो थोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी मेघ सहित सबरी तीन माताएं प्रत्येक पर भावरी पर गाती हैं कि पहली भावरी है तऊ बेटी बाप की पांचवी छठवीं तक इनका दावा है। जब तक छठवीं बावरी तब तक बेटी बाप की जब तक छठवीं जब सप्तवीं भावरी के बाद ए हाँ राम सिया सिर सिंदूर दे शोभा कहीं न जात विधि के एक बार तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शोभा कहीं न जात विधि के उस समय की शोभा किसी भी प्रकार से कहने में नहीं आती। आज जब सब जगह उपमा देते गए थे यहाँ क्यों चूकोगे गोस्वामी जी क्या बढ़िया उत्प्रेक्षा की शशि भूष अहि लोभ अमी के समुद्र मंथन के समय का रूपक दिया। समुद्र मंथन में देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया लेकिन अमृत केवल देवताओं को मिला असुर भी वंचित रह गए और कहा कि देवताओं और दैत्यों का तो योगदान था ही वासुकी नाग ने भी नेति बनकर के योगदान किया था। नागों को क्या मिला नागों को तो एक बूंद नहीं मिला मिलना चाहिए था चलो उस समय नहीं तो अब मिल जा। सुना है चंद्रमा में अमृत है चंद्रमा से सिफारिश करो थोड़ा सा दे दे ऐसे क्यों देगा चंद्रमा चंद्रमा को कोई ऐसी वस्तु भेंट करो जिससे चंद्रमा खुश हो जाए कि मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु तुमने दी। चंद्रमा के लिए दुर्लभ वस्तु क्या है बोले कमल का पराग क्योंकि चंद्रमा का बढ़िया दर्शन तो रात्रि में ही होता है और रात्रि में कमल मुदा हुआ होता है तो कमल का पराग बेचारे चंद्रमा को नहीं मिल पाता। आज अगर सब नहीं एक नाग हम समस्त नागों का
प्रतिनिधि बनकर एक नाग कमल और पराग से युक्त कमल लेकर के जाए और चंद्रमा को भेंट करे तो शायद चंद्रमा थोड़ा सा अमृत दे दे। ये उत्प्रेक्षा की गोस्वामी जी ने। यहाँ चंद्रमा कौन है? श्री सिया जी का गोरा गोरा जो मुख है, मंडल है, यही चंद्रमा है। और नाग कौन है? बोले राम जी की लंबी लंबी सांवले रंग की जो भुजा है, यही नाग है। और कलाई से ऊपर का जो भाग है, ये चुटकी जिसकी मुदी हुई है और सिंदूर से भरी हुई है चुटकी, वही मानो अरुण पराग से भरा हुआ सुंदर कमल है। आज रघुनंदन की भुजा रूपी नाग अपने हस्त रूपी कमल में सिंदूर रूपी अरुण पराग भर करके श्री सिया जी के मुखचंद्र को भेंट कर रहा है, ताकि सिया जी के मुखचंद्र से हमें थोड़ा अमृत गुण मिल जाए। और जब सिया जी के मुखचंद्र ने इनके कर कमल में अमृत गुण जब दे दिया, तो उस कर कमल में विशेषता हो गई। क्या? बोले शीतल सुखद छांह जेहि करकि मेटति पाप ताप माया, निसिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। तो वही वो स्वामी जी ने वर्णन किया कि अरुण पराग जलज भर नीके, शशि भूष अहि लोभ अमीके। माताएं एक दूसरे उत्प्रेक्षा कर रही हैं। किसी नगरी का रहने वाला सिंदूर बेचने वाला सौदागर, लोरी कोई सिंदूर लो, लोरी कोई सिंदूर लो कहता हुआ आया। अब खरीदार कौन? सिंदूर सबसे लिया जाता है, थोड़े सिंदूर जिससे लिया जाता है, जो सिंदूर देता है उसका जीवन भर निर्वाह करना पड़ता है। माताएं गाती हैं कि कवना नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आईल नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आईल हे। माई है जनक नगर की कुमारी सिया सिंदूर बेसाली।
तक वैदिक विधि का विवाह पंडित पुरोहित लोग करा रहे थे। पाद प्रक्षालन, मधुपर्क, पाणी ग्रहण, शाखोच्चार, ग्रंथि बंधन, भावरी सिंदूरदान, अब लौकिक विधि का पुनः ब्याह कराएंगी सखियां, कोहबर घर में लेकर के चलेंगी। कोहबर घर को बताया जा चुका है, वह घर है जिसमें अपने हाथों से माताएं दीवाल पर कुल देवता का चित्र अंकित करके रखती हैं, वर दुल्हन दोनों से वहां पूजन कराती हैं, कुछ मधुर पदार्थ खिलाती हैं। उस कोहबर घर की ओर जब लेकर के चली तो आकर के सखियों ने रास्ता रोक लिया राम जी का, चारों भाई की। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे, तो जल्दी से दीजे निकारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राम जी बोले कि जब तक पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, मंत्री जी, खजांची जी बैठे रहे तब तक तो वे लोग देते रहे नेक जिनको देना था, उस समय तो आप लोगों ने कहा नहीं, अब वे तो सब जनवास से चले गए, हम तो अकेले ठन ठन पाल गोपाल, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, बन के कमन मंडल धारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। हम घर से दूल्हा बन के तो चले नहीं थे जो मैया कुछ दी होती। सखियां बोली कि चलो वहां से, नहीं तो यहीं से इंतजाम हो जाएगा। बोले कर दीजिए। कहा कि मुफ्त में नहीं कर देंगी, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखवाओगी? कहा कि कर दे प्रबंध कुछ गिरवी आप रख दे, कर दे क्या? बोले बेचहु बहिन महतारी दिखाई माफ की दे हमारी, कि हमसे पहले भी किसी दूल्हा ने दुल्हन पाने के लिए अपनी माँ बहन को गिरवी रखा था क्या? बोले अब तक तो किसी ने नहीं रखा, क्योंकि सब लोगों की जेब गरम रहती थी, आप ही कमंडलधारी बन के आए हैं। तब राम जी बोले कि तब हम भी गिरवी नहीं रखेंगे, नहीं तो आगे के दूल्हा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो कहा कि तो और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। सखियां बोली कि एकदम सरल उपाय है, एक पैसे का खर्च नहीं। क्या? अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, बन के प्रेम पुजारी दिखाई माफ दीजिए होगा। क्यों? हम तो सिया के पग शीश झुकाए, हम तो और तुम सब बजाओ करतारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। तुम लोग ताली पीटोगी। और कोई उपाय हो तो बताओ। सखियों ने तीसरा उपाय बताया। स्वर्ण थाल में धर लाई
वैदेही की पगदासी, जानकी जी की मखमली जरी जूती, सोने के थाल में ढके धरके और पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हांसी। इनको करो प्रणाम लाल जी, इनको प्रणाम कर लोगे तो ये रास्ता दिला देंगे। ये हैं कौन? बोले ये तुम्हारे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण होए सब करो यथाविधि सेवा। तो बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं न वही जो बिन जाने पहचाने। तब बोली सखियां लखन लाल से कि आप ऐसी सुनवावे, कर सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीति निभा। तो लखन कहे हंसी सुनो सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद नहीं मान। हम तो राम जी के अलावा किसी को कुछ जानते ही नहीं है। छोटे कुमार से कहा आप प्रणाम कर लो, एक भाई भी प्रणाम कर लोगे तो चारों भाई को रास्ता मिलेगा। तो बोले रिपुसूदन हमारे कुलदेव यहाँ क्यों आए, हमारे कुल देवता होते तो अयोध्या में होते, यहाँ कैसे आ गए? तो कहे सखी विधि करने हेतु कौसल्या मातु पठाए, तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। भरत जी जानते हैं कि हमारी हंसी होगी, लेकिन जानबूझकर हमारी हंसी हो तो हो, प्रभु को रात भर खड़ा न रहना न पड़े, प्रभु का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकितन हंसी सखी दे तारी। भरत जी ने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। सखियां बोली कि अब देवता प्रसन्न भय दर्शन करि हो निहाला, दिए खोल पट तो निकसी पन ही सकुचे दशरथ लाला। जिनने प्रणाम किया था भरत जी तो प्रसन्न है। तीन दुलाल लजा गए जिनने प्रणाम नहीं किए थे, और निहित प्रयास भरत परितुष्ट परम धन पाए, गदगद कंठ प्रेम पुलकित तनु नयन प्रेम जल छाए। लक्ष्मण जी ने भैया भरत का हाथ पकड़ के झटका दिया। आपको मालूम नहीं था मखौल कर रही है? भरत जी बोले मालूम था। बोले आपने क्यों प्रणाम किया? हम लोगों की मूछ नीची कर दिया, क्यों आपने प्रणाम कर लिया? भरत जी बोले किसी गलत जगह पर प्रणाम नहीं किया है। बोले आपने जूती को प्रणाम किया है। भरत जी बोले कि मेरी तो आजीवन की यही उपासना होगी, मोरे शरण राम की पनही राम सुस्वामी दोष सब जनी। लक्ष्मण जी बोले कि भैया की होती तब तो ये तो कन्या पक्ष की थी। भरत जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया, बोले कि मोरे शरण राम की पनही ये सुदृढ़ भाव मनवाई, मेरे जान राम सीता मेरन चहुं अंतर नाही। हमारे लिए जुगल सरकार की पादुका पूज्या बंदिया करी ऐसी है। तो लखन कहे कि ये तो हम भी जाने, लेकिन अब लेकिन क्या बोले, लेकिन यह तो है ससुरारी, ये सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहां बज गई। आपको सारी भक्ति ससुरालय में सुझी? अरे यहाँ हमारी इज्जत रख देते और अयोध्या चलते तो भैया और भाभी दोनों की जूती दिन रात माथे पर लिए डोलते, कोई हंसता कोई रोता, यहाँ तो हमारी इज्जत रख देते। अंतिम उत्तर भरत जी ने इतना बढ़िया दिया कि लक्ष्मण जी को झुकना पड़ा। क्या
बोले कि भैया आप यहाँ किसी और तरह से वहाँ किसी और तरह से निभाते रहना, मेरे लिए निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी। तो नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी, आंखों में आंसू आ गए लक्ष्मण जी के, भैया भरत आपके भाव की गहराई और गंभीरता को कौन पा सकता है। तभी तो श्री राम जी शपथ ले लेके कहते हैं, नाथ शपथ पित चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। लखन तुम्हार शपथ पित आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। श्री भरत लाल की जय। इस प्रकार से बड़े धूमधाम से आनंद से विवाह संपन्न हुआ। अब चारों भाइयों को कोहबर में प्रवेश मिला। कोहबर में जाकर के कई विधियां कराती हैं, सबका वर्णन इतने कम समय में संभव नहीं, क्योंकि आज कन्हैया जी की बधाई तक पहुंचना है। बधाई क्या, यदि प्रभु चाहें तो आगे कुछ बाल लीला भी हो जाए। अस्तु, कोहबर की दो विधि वर्णन करके आगे बढ़ चलेंगे। पहले तो खीर खिलाती है, तरीका है इसको गोस्वामी जी ने लिखा है, लहकौर गौर सिखाव रामे। लहकौर माने लघु कौर, अपभ्रंश है लहकौर। दुल्हा कौर उठावे तो दुल्हन के मुख में दे, और दुल्हन कौर उठावे तो दुल्हा के मुख में दे। दुल्हा ने कौर उठाया, दुल्हन ने तो आसानी से ले लिया, लेकिन दुल्हन ने कौर उठाया और ज्यों दुल्हा जी के मुख के पास ले गई, और दुल्हा जी ने मुंह खोले तब तक सखियों ने हाथ खींच लिया सिया जी का। दुल्हा जी मुंह बाहे रह गए, मुंह खोले रह गए, कहा कि ठहरिए, इतनी उतावली क्यों। अब दोबारा कहती है कि अब स्थिरता से धीरे से लीजिए मुख में। अब राम जी फिर ठिठक गए, फिर वही चालबाजी करेंगे, अब मुंह नहीं खोल रहे हैं। सखियां कहती हैं, खीर खाऊ न ल जाऊ सुनु चारू भैया, खीर ही में होत लालन बड़े बड़े गुनवा, खीर रघुकुल की काम धेनु गईया, और गुन जानती आपकी कौशल्या मैया। इशारा समझ के मुस्कुरा रहे। एक ने कहा, अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खास्त पैदा करती पति कर नहीं कुछ कामा। तो लक्ष्मण जी बोले कि को नहीं जन्मत मात पिता बिन बंधी वेद की रीति नीति, आ तुम्हारे तो पृथ्वी से उपजे असमरी नहीं रीति। सखियां बोले कि या में प्रबल पक्ष मिथिला को, या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखौ जुगल परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। इस प्रकार से जुगल पक्ष का हास परिहास विनोद चल रहा है। एक बोली, अरे सखी ये तूने क्या सुना दिया। बोले क्यों, कहा कि अब तो डर के मारे नहीं खाएंगे खीर। बोले क्यों, कहा कि अब तो सोचेंगे कि तीन भैया ने खीर खाए तो हम चार भैया उनके पेट में प्रकट हो गए, हम चार भैया खीर खाएं तो पता नहीं हमारे पेट में कितने प्रकट हो जाए। तो कहा कि ये कोई स्त्री है, थोड़े तो पुरुष है। कहा कि कल तुमने कथा में नहीं सुना कि एक राजा है जो अयोध्या के कर गए कमाल पर वृंदावन बिहार। अयोध्या में मर्दों को भी ये सब खतरा होता रहता है। श्री इस प्रकार से आनंद मंगल हो रहा है। एक विधि और कहके आगे बढ़ चलेंगे। सखियों ने कहा कि हो चारो दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, कौड़ी खेलिए। राम जी बोले कौड़ी खेलना अच्छा नहीं है, ताकि हम अच्छा बुरा का फैसला नहीं मांग रहे हैं, तो रस्म है। भोला बाबा भी ससुराल गए तो कोहबर में कौड़ी खेलवाई गई। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नाम के ग्रंथ में लिखा, और श्री राम जी ने भी कौड़ी खेली।
इसका वर्णन श्री सूरदास जी ने सूर सागर में वर्णन किया है। हाँ, राम जी बोले कि जब रसम अदा करनी है तो कर लें। कहा कि बाजी की बातें प्रथम से कर लो, बाजी की बातें प्रथम से कर लो, पीछे न करियो झमेलो समल को खेलो, पीछे न करियो झमेलो समल को खेलो। पीछे का झगड़ा झमेला अच्छा नहीं है, अभी तय कर लीजिएगा कि जीतिएगा तो क्या लीजिएगा और हारिएगा तो क्या दीजिएगा। राम जी बोले कि शौक से तो खेलना है नहीं, तो रसम अदायगी है, हम क्या तय करें, आप ही लोग जो तय कर दीजिए हम मान लेंगे। सखियां खुश हो गई, तो हमारे हाथ में बाजी आ गई, हम तो ऐसी बाजी लगाएंगे कि जीत जाए तो भी लाभ और हार जाए तो भी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।